16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी ओजोन दिवस मनाया गया। इस दौरान शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने आकर्षक चित्र बनाकर जागरूकता रैली निकाली। रैली में शामिल छात्राओं ने लोगों से ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल कम करने या नहीं करने की अपील की जिससे ओजोन की परत को खतरा है। पॉल्यूशन के वजह से उसमें छेद हो गया है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे पृथ्वी पर आ रही हैं, जो कि हम लोग के लिए कई बीमारियों का कारण बन सकती है। इसलिए मैं ये कम से कम छोटे छोटे हम लोग इस स्टेप से हम अपने ओजोन परत को बचा सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग यूज़ ना करना, जैसे एसी होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, उनसे निकलने वाले जो रेज होते हैं उनसे हमारा जो ओजोन परत है उसको नुकसान हो रहा है, तो यूज़ कम करके जैसे पॉल्यूशन होता है। एक आदमी अपने थ्रू ये प्रयास कर सकता है कि वो जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज कर रहा है तो वो कम मात्रा सीमित मात्रा में यूज करे, या ऐसे टेक्निक का उपयोग करे, ऐसे तरीकों आजकल तो बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है, ऐसे तरीकों का उपयोग किया जाए जिससे हम लोग का जो पृथ्वी है वो संरक्षित रहे, प्रकृति इफेक्टेड ना हो। वही महाविद्यालय के प्राध्यापक अश्वनी केशरवानी ने बताया कि ओजोन दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को ओजोन परत के लाभ बताए गए, साथ ही इसे बचाने के समाधान की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया गया। दिशानुसार सभी विज्ञान संकाय और सभी महाविद्यालय के छात्राओं को ये जानकारी दी गई कि जो ओजोन परत वायुमंडल में है उससे क्या लाभ होता है, उसके क्षरण होने से क्या नुकसान होता है, इसकी पर्याप्त जानकारी दी गई और उनको जागरूक करने का प्रयास किया गया कि वायुमंडल में जो प्रदूषण हो रहा है इसके लिए वो अपने एम्बेसडर का काम करें और समाज के लोगों को जागरूक करें ताकि प्रदूषण जो है कम से कम हो। गौरतलब है कि पर्यावरण प्रदूषण और जहरीले गैसों के कारण ओजोन परत नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर कोरबा में कॉलेज की छात्राओं ने जागरूकता रैली के साथ ही आकर्षक पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया।